का बुखार साथियों एक ऐसी समस्या है जो इतनी सारी स्वास्थ्य समस्याओं के बीच में अपना स्थान रखती है और आम आदमी को परेशान कर देती है। इसकी परेशानी कई साल तक आदमी झेलता रहता है और पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन होम्योपैथी में कारगर दवाएं हैं डेंगू मैनेजमेंट की, आपकी तकलीफ़ों को मैनेजमेंट की, बताते हैं आपको हम इस वीडियो में। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज के हिंदुस्तान या दुनिया में जितनी समस्याएं आ रही हैं इतनी शायद बहुत पहले देखी गई होंगी। समस्याओं का मतलब, मैं डॉक्टर हूं, मेरा मतलब बीमारियों से है। आज जब हम यह वीडियो बना रहे हैं तो अभी खबर आई है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को अमेरिका के राष्ट्रपति, विश्व के सर्वाधिक मजबूत देश के राष्ट्रपति और उनकी वाइफ को भी कोरोना का इन्फेक्शन हो गया है। तो ऐसी स्थितियां जिसमें तमाम बीमारियां आ रही हैं। हर हफ्ते एक ऐसा आता है कि खबर आती कि चाइना में आज नया वायरस आ गया, फलां जगह नया वायरस आ गया, और इस तरह करके समस्याएं इस दुनिया में स्वास्थ्य की बढ़ती जा रही हैं। इसी बीच हम लोग के सामने एक बीमारी जो अपना मुंह बाए खड़ी है। मौसम आ रहा है, जाड़े का मौसम आ रहा है और बरसात, इस तरह की स्थितियां आ रही हैं, वह है डेंगू। डेंगू का बुखार, यानी जिसको हम लोग डेंगू भी कहते हैं। तो अपने आम जनता के संपर्क के लिए मैं इसको डेंगू के नाम से ही एड्रेस करूंगा इस वीडियो में। वैसे इसका सही नाम डेंगू है। तो यह डेंगू का जो बुखार है यह अब समस्या करने लगा है। और इस समय दुर्भाग्य यह है कि कोविड 19 के कारण ना अस्पतालों में पलंग है, बेड्स हैं, ना ट्रीटमेंट सही से है। क्योंकि आप कहीं भी जाओ, पहले व्यक्ति कहेगा कोविड की जांच कराओ, और कोविड की जांच में अगर पॉजिटिव आ गए तो फिर बाकी इलाज ठप, सारा सेंटर ऑफ फोकस कोविड पे आ जाएगा। कोई वो भी जानलेवा विषय है, वो सही भी है। तो ऐसी इमरजेंसी में हम लोगों को बहुत सावधानी रखनी है। मैं आपको बताऊंगा डेंगू से निपटने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं, लेकिन उससे पहले बताऊंगा कि सावधानी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अपने आसपास आप सफाई रखें, अपने आसपास आप पानी को ना जमा होने दें, आप अपने आसपास मच्छरों को ना पैदा होने दें। क्योंकि डेंगू जो है वह वाटर में जो मच्छर होते हैं, एडीस जो मच्छर होता है, एडीस एपिडाई, इसी के काटने से होता है। और आप जान ही रहे हैं जिसको यह होता है उसको बहुत दिक्कत होती है। आज के दौर में प्लेटलेट जल्दी कहीं मिलनी नहीं है, इलाज ही नहीं मिलना है, आप प्लेटलेट तो छोड़ दें। उस स्थिति में अपने को बचाना ही समझदारी है। बताएंगे आपको साथियों डेंगू की कंट्रोल और ठीक करने के, मैनेज करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। लेकिन सबसे पहले यह जान लेते हैं कि डेंगू बुखार होता क्या है। डेंगू साथियों एक फीवर होता है जो कि हेमरेजिक फीवर होता है और आपके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी करता है। यह एडीज एजिप्टाई मॉस्क्यूटो के काटने से होता है और कभी कभी अन्य मॉस्क्यूटो के काटने से भी होता है, लेकिन 90% केसेस में एडीज एजिप्टाई के काटने से, बाइट करने से डेंगू का बुखार आता है। यह बहुत हाई ग्रेड फीवर होता है। यह बुखार साथियों एक मिसकंसेप्शन होता है कि एक बार जिसको मच्छर ने काट लिया और डेंगू हो गया उसको दोबारा नहीं होगा। क्योंकि डेंगू के 4 स्ट्रेन्स होते हैं, 4 अलग तरह के वायरस के जीनोम होते हैं। इसलिए ये तो बात ठीक है कि आपको मच्छर काटता है तो उस मच्छर के, उस वायरस के अगर स्ट्रेन से, जीनोम से वाले मच्छर ने काटा, उस वायरस के स्ट्रेन ने इन्फेक्ट करा है तो आपको डेंगू नहीं होगा। लेकिन बाकी जो 3 स्ट्रेन है अगर उनसे आप इन्फेक्ट हुए हैं तो आपको डेंगू रीअकर होगा, और यह पहले वाली स्थिति से और घातक और कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो बात फिर आ गई, आपको अपने को मच्छर को काटने से बचाना है, यानी कि आपको मच्छर ही अपने पास नहीं होने देना है। यह हम सब की सामाजिक जिम्मेदारी है। डेंगू के सबसे इम्पॉर्टेंट बात है साथियों, इसके सिम्टम आप समझ लें। तमाम तरह के बीमारियां फैल रही हैं और सबके सिम्टम मिलते जुलते हैं। तो जो डेंगू के सिम्टम है वो 4 बहुत इम्पॉर्टेंट बातें होती हैं। पहला होता है कि आपको बहुत हाई ग्रेड फीवर आता है, यानी 106 डिग्री तक जाता है, फ़ारेनहाइट तक जाता है। दूसरा, आपके बोन्स में पेन होता है, हड्डियों में पेन होता है। तीसरा, आपके मसल्स में पेन होता है और आपके आँख के नीचे पीछे के ढेलों में पेन होता है। ये 4 सिम्टम हैं जो
डेंगू की तरफ इशारा करते हैं कि आपको तुरंत अपनी प्लेटलेट्स को चेक कराना चाहिए। इसके अलावा आपके रैशेस स्किन में हो जाते हैं और आपको ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है। यह सब एडजॉइनिंग सिम्टम्स हैं। तो इस तरह आप अपने को पता लगा सकते हैं प्लेटलेट्स को चेक करा के, अगर ये सिम्टम हैं कि आपको डेंगू है कि नहीं है। डेंगू का कारण, साथियों, डेंगू का कारण मच्छर का काटना होता है। एडीज एपटाइक नाम का मस्क्यूटो जब आपको काटता है तो आपके डेंगू होता है। यह चार तरह के वायरस से इन्फेक्ट हो सकता है। जब वह किसी इन्फेक्टेड पर्सन को मच्छर काटता है तो उसमें वह वायरस उस मच्छर में आ जाता है, और वह मच्छर जब आपको काटता है तो वह वायरस आप में ट्रांसमिट हो जाता है। एक ख़तरनाक विषय है साथियों, इसलिए आपको मच्छरों से बचना है। उसके चार स्ट्रेन होते हैं, जैसा हमने कहा कि एक स्ट्रेन से अगर आपको काटा और डेंगू हुआ तो उससे तो आप बच जाएंगे, लेकिन बाकी तीन से आप नहीं बचेंगे। तो आपको अपना पूरा ध्यान रखना है, फुल आस्तीन के, पूरी आस्तीन के कपड़े पहनने, अपने को जितना हो सके कवर्ड रखना, उससे आप डेंगू से बच सकते हैं। चलते हैं साथियों उस सफ़र पे जिस पे आपको बताते हैं 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं डेंगू को कंट्रोल और ठीक करने की। लेकिन आपको साथ में साथियों यह बता दें कि डेंगू एक ख़तरनाक मेडिकल कंडीशन है। इसके लिए मेडिकल सुपरविजन, मेडिकल हॉस्पिटलाइजेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। दवाएं आपकी मदद कर देंगी जो इस वीडियो में बताई जा रही हैं, लेकिन यही केवल विकल्प नहीं है, क्योंकि इसका जो डेंगू हेमरेजिक फीवर होता है DHF, वह एक बहुत बुरी स्थिति होती है और एक मेडिकल अटेंशन को इनवाइट करती है। साथ में एक डेंगू हेमरेजिक सिंड्रोम होता है जो कि बहुत ही दिक्कत वाला होता है। तो आपको मेडिकल राय को भी कंसिडर करना चाहिए। बताते हैं आपको 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं जो आपके डेंगू बुखार को मैनेज और ठीक करने में आपकी हेल्प करेंगी। नंबर एक दवा साथियों जो होम्योपैथी में डेंगू फीवर को ठीक करने की, यानी इससे जो आपके जोड़ों में दर्द होता है, मसल्स में पेन होता है, पूरे शरीर में या किसी विशेष मसल में, उसको कम करने की नंबर एक दवा होम्योपैथी में है यूपिटोरियम परफोरेटम। आप यूपिटोरियम पर 30 पावर में 2-2 बूंद इस स्थिति में ले सकते हैं जब आप किसी को डेंगू का इन्फेक्शन हुआ हो, पेशेंट को उसको बहुत तेज बुखार आ रहा हो और उसके बोन्स में बहुत ज़्यादा पेन हो, लग रहा हो हड्डियाँ टूट जाएंगी। इस तरह की अगर स्थिति हो तो उस स्थिति में यूपिटोरियम पर बहुत कारगर दवा है आपके डेंगू फीवर को कंट्रोल करने के लिए और ठीक करने के लिए। एक स्थिति साथियों आती है डेंगू में, और ख़ास तौर से डेंगू हेमरेजिक फीवर में, जब मरीज को एहसास होता है हमें कोई बचा नहीं सकता, हम डेथ हो जाएगी और हम अब जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो अगर यह फीलिंग, डिसगस्ट की फीलिंग मरीज में आ रही है और वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस और एंशियस हो रहा है, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है आर्सेनिक एल्बम। आप आर्सेनिक एल्बम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके इस कंडीशन को भी ख़त्म करेगी और आपको पूर्णतया स्वस्थ करके लाभ देगी। दूसरी स्थिति साथियों आती है डेंगू फीवर में, वह होती वीकनेस की, एक्सट्रीम वीकनेस, डलनेस, ड्राउजीनेस, वीकनेस, लेजीनेस। अगर यह स्थिति है और किसी को डेंगू फीवर है तो उसकी इस वीकनेस और फटीक की स्थिति को दूर करने की, जिससे उसकी पलकें भी ऊपर नहीं उठ पा रही हैं, उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी बहुत कारगर दवा है जेलसीमियम सेमीपरवाइनम। आप जेलसीमियम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसे मरीज को दे सकते हैं जिसको बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रही हो, उसको डेंगू का बुखार हो, उसको प्यास ना लग रही हो और उसको डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, वीकनेस हो, उस स्थिति में यह बहुत कारगर दवा है। यह आपके डेंगू बुखार को ठीक करके आपको स्वस्थ बनाने में मील का पत्थर साबित होगी, आपको बहुत फ़ायदा देगी, आप यह दवा कर सकते हैं। एक स्थिति साथियों आती है डेंगू में कि किसी मरीज़ को डेंगू हेमरेजिक फीवर हो गया, उनके हेमरेजेस होने लगे और बहुत ब्लड फ्लो कर गया, बाहर निकल गया शरीर से, और उसके बाद उनके जो है बहुत वीकनेस आ गई। तो अगर वह स्थिति हो साथियों तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है सिंकोना ऑफिसनेलिस। इसका रेड लाइन ही है लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स। तो अगर आपका ब्लड लॉस हुआ है हेमरेजिक फीवर में और आपको वीकनेस और प्रोस्ट्रेशन हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं या मदद ले सकते हैं सिंकोना ऑफिसनेलिस की। या वो दवा है साथियों
जिससे होम्योपैथी डिस्कवर हुई थी। बहुत कारगर दवा है, आप इस दवा को ले सकते हैं और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक स्थिति साथियों डेंगू फीवर में आ सकती है, वह है कि मरीज को बहुत भयंकर सर में दर्द हो रहा है। तो अगर डेंगू का फीवर है और मरीज के बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, तो हेडेक को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है बेलेडोना और नेट्रम म्यूराटिकम। बेलेडोना 200 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार आप उस स्थिति में हेडेक के केस में डेंगू के पेशेंट को दे सकते हैं जबकि उसके थ्रॉबिंग टाइप पेन हो रहा हो, ऐसे धड़कन ऐसा लगता हो, ब्लड धमनी की तरफ बढ़ रहा है, अगर ये थ्रॉबिंग टाइप हेडेक हो रहा है तो ड्रग ऑफ द चॉइस बेलेडोना है। और नेट्रम म्यूरवानियम पावर में आप उस स्थिति में तीन गोली 5-5 मिनट के फासले पर वीकली दे सकते हैं जब उसके बहुत बोरिंग टाइप पेन हो रहा हो, बहुत तेज पेन हो रहा हो, तो नेट्रम म्यूर बहुत अच्छी दवा है, तुरंत मरीज को आराम देगी। एक स्थिति साथियों आती है डेंगू फीवर में, वो आती उल्टी और उकाई की। अगर आपको उल्टी आ रही, वॉमिटिंग आ रही और आपको नौजिया है, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है, या यूँ कहूँ दो कारगर दवाएं हैं, पहली है इपिका और दूसरी है आर्सेनिक एल्बम। इपिका 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार आप ऐसे मरीज को दे सकते हैं जिसको डेंगू फीवर हो रहा हो और उसको वॉमिटिंग हो रही हो, तो इपिका उसकी वॉमिटिंग को भी रोकेगी और उसके फीवर को भी कंट्रोल करने में हेल्प करेगी। और आर्सेनिक एल्बम 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार उस स्थिति में दी जा सकती है जब मरीज को डेंगू फीवर हो, उसको कुछ भी खाने से इन्फेक्शन हो जाता और खाते ही वो चीज़ बाहर आ जाती हो, उसका गला सूखता हो, उसको थोड़ी थोड़ी देर पर बहुत प्यास लगती हो, अगर यह स्थिति हो तो आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छी दवा है डेंगू के केस में वॉमिटिंग और नौजिया रोकने की। एक स्थिति साथियों डेंगू बुखार में आती है और सबसे इम्पॉर्टेंट स्थिति आती है, वो होता है पेन, शरीर में पेन। तो उस पेन को रोकने की हम जॉइंट्स को पेन को रोकने की दवा तो हमने आपको यूपिटोरियम बताई, और उस स्पेसिफिक पूरे बॉडी के जो बॉडी एक है उसको रोकने की होम्योपैथी में दो कारगर दवाएं हैं, पहली दवा है ब्राइनिया एल्बा और दूसरी दवा है रस टॉक्सीडेंड्रॉन। ब्राइनिया एल्बा 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन या चार बार आप उस मरीज को डेंगू बुखार से इन्फेक्टेड दे सकते हैं जिसको चलने से तकलीफ बढ़ती हो, जैसे ही वो एक कदम चलते हों, उठ के बैठते हों, उनके शरीर में दर्द शुरू हो जाता हो, तो ब्राइनिया आप दे देंगे अगर उनको, तो उनके दर्द में कमी आने की बहुत संभावना है। और रस्टॉक्स वनियम दो दो बूंद दिन में तीन बार आप उस स्थिति में दे सकते हैं जब मरीज को चलने से आराम मिलता हो और आराम करने से उसे तकलीफ होती हो, यानी रेस्ट में उसको तकलीफ हो, एग्रावेशन होता हो, तो उस स्थिति की ड्रग ऑफ द चॉइस रस्टॉक्स है। रेस्ट से याद रखिए, आर फॉर रेस्ट, आर फॉर रस्टॉक्स, यानी रेस्ट में मरीज को तकलीफ हो रही है तो दवा रस्टॉक्स है। यह बहुत कारगर दवाएं साथियों, लेकिन क्योंकि ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन होती है, इसके लिए अस्पताल का हॉस्पिटलाइजेशन आवश्यक होता है, एक कुशल चिकित्सक की सुपरविजन में आपको रहना पड़ता है, तो यह दवाएं आपके मैनेजमेंट और हेल्प अवश्य करेंगी, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे ना लें। मन में कोई क्वेरी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या यूट्यूब नोटिफिकेशन पर अपनी क्वेरी को लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपकी बात का जवाब दें। वीडियो साथियों अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन क्लिक करके यूँ ही सबसे पहले सबसे नया वीडियो प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों हमारे साथ इतनी देर रहने के लिए और आशीर्वाद अपना बनाए रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।